फ्रेंड्स, चलिए आज आपको पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी बताते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए आपको सबसे पहले 250 ग्राम मैदा चाहिए और थोड़ा बेसन चाहिए। बेसन से क्रस्ट अच्छा आ जाता है। थोड़ी आपको अजवाइन चाहिए, थोड़ी हींग चाहिए और थोड़ी सी मोटी कुटी हुई मिर्ची चाहिए। आपको 4 टीस्पून ऑयल चाहिए, थोड़ा नमक चाहिए और पानी चाहिए। इसके लिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैदा को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। अब उसमें थोड़ा बेसन भी डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा क्रस्ट करके अजवाइन डाल लेंगे, थोड़ी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी भर हींग डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि नमक, अजवाइन, बेसन और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेना है, इस तरह से। फ्रेंड्स, मैंने 15 मिनट्स तक अपने डो को रेस्टिंग दे दी है। अब पापड़ी बनाने के लिए इस तरह से आपको एक बड़ा डो ले लेना है और उसे आपको अच्छे से बेल लेना है पूरा। आपको चारों तरफ से एक बराबर इसे इस तरीके से बेल लेना है। फ्रेंड्स, इसे हमें ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, इतना बेलना है जिस हिसाब से आप पूरी के लिए तैयार करते हैं आपको उस तरीके से इसको बेल लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से एक बड़ा राउंड शेप में डो को बेल लिया है। अब इसे एक ग्लास की मदद से मैं गोल गोल कट कर लूँगी पापड़ी के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से कट के तैयार हो गई है पापड़ी। अब इसको हम लोग एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। फ्रेंड्स, पापड़ी चाट के लिए आप एक तो इस शेप में, सर्कल शेप में पापड़ी बना सकते हैं और एक और शेप होता है उसको आप इसको इस तरह से आप ऐसे ये समोसा शेप देके इस तरह से बेल के भी पापड़ी तैयार कर सकते हैं। तो आपकी कई शेप में पापड़ी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो शेप में पापड़ी तैयार कर ली, एक तो राउंड शेप में और एक यहाँ पे ट्राइंगल में। अब इसको बेलने के बाद मैं इस फोक की हेल्प से इसको ऐसे टैप कर दूंगी जिससे कि ये क्रिस्प आएगा और इसमें डिज़ाइन भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसे फोक की हेल्प से इस तरह से ऐसे होल कर लेंगे जिससे कि ये क्रिस्पी बनेगी। और ट्रायंगल शेप वाले पापड़ी में भी हम इसी तरीके से ऐसे छेद कर लेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और तेल गर्म हो गया। हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। देख लेते हैं हमारा तेल कितना गर्म है। ठीक है, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पापड़ी तल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में एक एक करके सारी पापड़ी डाल देंगे।
फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम लोग पापड़ी चाट को, फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सारी पापड़ी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में, और ये वो क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह हम लोग दोनों साइडों से पापड़ी को अच्छे से सेक लेंगे और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी क्रिस्प आ जाता है इसमें, और गोल्डन कलर की होने तक इसको अच्छे से फ्राई करके आप निकाल लेंगे, आपकी पापड़ी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए हमारी पापड़ी बनकर तैयार है, इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी है ये। अब हम इसे निकाल लेंगे, हम इसे ऐसी छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि सारा ऑयल निकल जाए इसका। हमने छोटी पापड़ी तो तैयार कर ली है, लेकिन अब आपको एक बड़ी पापड़ी भी बता देते हैं कैसे बनाई जाएगी। उसके लिए भी सेम डो में से मैंने थोड़ा डो बचा के रखा है, और इस तरह आपको पूड़ी के शेप के लिए, पूड़ी के साइज़ के लिए आपको ऐसे लोई बना के रख लेनी है, और आपको इतनी बड़ी लोई लेकर पूड़ी के साइज़ की लोई बेल लेनी है, और फिर उसको आपको दिखाते हैं क्या करना है। इस लोई को एक बड़े राउंड शेप में हम लोग बेल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसे एक बड़े राउंड शेप में बेल लिया है, अब मैं इसे ऐसे फोल्ड करके समोसा शेप में थोड़ा बेल के बड़ा कर लूँगी। हमारी बड़ी पापड़ी तैयार है, अब इसको एक फोर्क की मदद से ऐसे होल कर देंगे छोटे छोटे, जिससे ये फूले ना और क्रिस्पी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रायंगल शेप में बड़ी बना ली है और एक गोल शेप में बड़ी पापड़ी बना ली है। आइए अब इसको फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बड़ी शेप में ट्रायंगल और सर्कल में मेरी पापड़ी, हमारी बड़े शेप में ट्रायंगल और सर्कल में पापड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें से तेल सारा निचोड़ लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये, आप इसकी चाट बनाएंगे तो आपको बहुत ही क्रिस्प आएगा, उसमें बहुत ही टेस्टी चाट बनेगी। इस पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने आज इतनी दुकान सजाई है, आपको जल्दी से बता देते हैं मैंने क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो यहाँ एक बड़े साइज़ की पापड़ी है और छोटे साइज़ की, दोनों टाइप की पापड़ी मैंने बना दी है, और दही लिया है, हरी चटनी ली है, लाल चटनी ली है, थोड़े कटे हुए उबले हुए आलू हैं, और यहाँ पे प्याज मिर्ची बीट रूट है, जिंजर है और टमाटो है, और यहाँ पे काला नमक है, सफ़ेद नमक है, और गरम मसाला है, और धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, और खड़ी लाल मिर्ची पाउडर है थोड़ी सी, और थोड़ा हरा धनिया है, थोड़े उबले हुए छोले हैं, और मटर है उबली हुई, और थोड़े से अनारदाना, और थोड़ी सेव है। चलिए अब जल्दी से आपको पापड़ी चाट बना के दिखा देते हैं। पहले छोटी पापड़ी चाट बना लेंगे, इसको सबसे पहले हम दही में डिप कर लेंगे इस तरह से, और एक प्लेट में निकाल लेंगे।
गाइस हमारी टेस्टी क्रिस्पी एकदम बढ़िया वाली पापड़ी चाट बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार घर पे ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।